खबर बलौदाबाजार से जुड़ी हुई है। बलौदाबाजार हिंसा पर अब सख्त नजर आ रही है विष्णुदेव साय सरकार। उन्होंने बनाई है न्यायिक जांच आयोग। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में बना है आयोग और 6 बिंदुओं पर जांच करेगा ये आयोग। मुख्य तौर पर आयोग 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट भी सौंपेगा। तो देखिए बलौदाबाजार हिंसा पर लगातार अपडेट्स आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, एक्शन ले रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब उसी को देखते हुए न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है, जहां जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी करने वाले हैं, जहां 6 बिंदुओं पर जांच करी जाएगी और फिर उसके बाद 3 महीने के बाद आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब बलौदाबाजार हिंसा मामले में विष्णुदेव साय सरकार ने गठित किया है न्यायिक जांच आयोग, जो मुख्य तौर पर 6 बिंदुओं पर जांच करेगा। तो वहीं एक और बड़ी खबर भी बलौदाबाजार से जुड़ी हुई ही है। बलौदाबाजार हिंसा में तत्कालीन कलेक्टर एसपी पर गिरी गाज। कलेक्टर केएल चौहान को किया गया है निलंबित, तो वहीं तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार भी निलंबित किए गए हैं। देखिए पहले ही जानकारी आ गई थी और विस्तार न्यूज ने तो प्रमुखता से इस खबर को जब दिखाया था तो ये जानकारी भी दी थी कि एसपी और कलेक्टर पर गाज गिर सकती है। उस टाइम पर एक जो इमीडिएट एक्शन देखने को मिला था वो ये था कि एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया था, लेकिन अब जबरदस्त गाज गिरती हुई दिख रही है। एसपी पर गिरी गाज और कलेक्टर केएल चौहान को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार भी निलंबित किए गए। मैं आपको बता दूं कि सदानंद कुमार एसपी उनको निलंबित कर दिया गया है, साथ ही साथ केएल चौहान कलेक्टर जो थे वहां के तत्कालीन उनको भी निलंबित कर दिया गया है। हालांकि नए कलेक्टर और एसपी, कलेक्टर हैं दीपक सोनी और नए एसपी हैं विजय अग्रवाल, लेकिन ये बड़ी अपडेट एक्शन को देखते हुए निकलकर सामने आ रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रोहित, बलौदाबाजार अग्निकांड को हल्के में नहीं लिया गया है, इस बात के गवाह हैं वो तमाम एक्शंस जो प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं। ताजा अपडेट्स 2 हैं। पहले जानकारी एसपी कलेक्टर के निलंबन पर। अंजलि, देखिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर इस लिहाजे से भी हो जाती है क्योंकि इस तरह की हिंसा छत्तीसगढ़ में पहले देखने को नहीं मिली थी। और अगर एसपी कलेक्टर उस समय तत्काल प्रभाव से उस पर काम कर लेते, उस पर किसी भी तरीके से जो है वो घटना ना बढ़ने देते, तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी घटना ना घटित होती और सतनामी समाज भी लगातार ये कह रहा था कि जब हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान हम एसपी और कलेक्टर से मुलाकात करने की बात कह रहे थे, लेकिन एसपी कलेक्टर हमसे मुलाकात करने ना आए, जिसके बाद में आक्रोश बढ़ा और आक्रोश इस प्रकार बढ़ा कि एसपी और कलेक्टर कार्यालय को ही जला दिया गया। अब शासन ने बड़ा एक्शन लिया है, एसपी और कलेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। पहले हटाया गया था, अब सदानंद कुमार और बिल्कुल रोहित, न्यायिक जांच आयोग का भी गठन कर दिया गया, उस पर क्या अपडेट्स है और कौन से 6 बिंदुओं पर जांच करेगा आयोग? बिल्कुल, देखिए रिटायर्ड जज वाजपेयी जी की अध्यक्षता में ये टीम बनाई गई है जो जांच आयोग आगामी समय पे 6 बिंदु। पहला बिंदु ये है कि इस तरह की घटना कैसे घटी और पिछले महीने पहले बिंदु, दूसरा बिंदु अगर मैं बात करता हूँ तो 15 मई और 16 मई की रात में ऐसा क्या हुआ था जब जैद खम को काटा गया, दूसरा बड़ा अहम बिंदु है। इसके अलावा न्यायिक जाँच आयोग आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे इसको लिए भी सुझाव देगा। चौथा अहम बिंदु ये है कि जो इस दौरान कलेक्टर एसपी की क्या जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्या अपने जिम्मेदारी को छोड़ा, तो ये एक अहम बिंदु है। इसके अलावा वो और जो बिंदु जो न्यायिक जांच आयोग के संज्ञान में आएगा उसको भी सरकार के सामने रखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर बड़ा कदम उठाया गया है और आज जब कांग्रेस का दल रवाना होने वाला है उससे पूर्व में सरकार का बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। जी बिल्कुल रोहित, तो ये एक पूरा होलिस्टिक जांच इस चीज़ की करने के लिए न्यायिक जांच का गठन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए उत्तर प्रदेश में भी सरकार एक्शन में दिख रही है। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की तो VIP कल्चर पर कड़ी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि वाहन सरकारी हो या निजी, प्रेशर हॉर्न व हूटर का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों का
सुशासन के लिए संवाद और समन्वय का मंत्र भी दिया है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जनता का विश्वास जीते, अधिकारी CUG नंबर पर आने वाली हर कॉल को रिसीव करे, जिला रेंज व जोन स्तर पर तत्काल जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू किए जाने का भी निर्देश दे दिया है CM योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, इटली की मेजबानी में हो रहे G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच गए हैं। उनके साथ एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भी गया है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और NSA अजीत डोभाल भी शामिल हैं। क्या होता है ये G7 और भारत की भागीदारी कितनी जरूरी है, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में NDA को लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज कराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचे हैं। PM मोदी इटली में हो रहे 50वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और NSA अजीत डोभाल भी सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको भारत के प्रधानमंत्री का G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के समीकरणों को समझाएं, पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये G7 समिट क्या चीज है। दरअसल G7 विश्व की 7 सबसे बड़ी तथा कथित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के सदस्यों में 7 देश शामिल हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली कर रहा है। यहाँ पर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को भी आउटरीच देशों के तौर पर न्योता भेजा गया है। 2024 के G7 समिट में इंडो पैसिफिक, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ इस बार यूक्रेन में भीषण युद्ध और गाजा में चल रहे संघर्ष के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और प्रधानमंत्री मोदी की 5वीं भागीदारी होगी। ऐसे में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल G7 में भारत का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही साथ फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे G7 सदस्यों से भी बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत की है। G20 के सफल अध्यक्षता के बाद भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। इसके साथ ही साथ पिछले G7 सम्मेलन में भारत ने प्रमुखता से तमाम ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाया था, चाहे बात पर्यावरण की हो या भोजन की, स्वास्थ्य, विकास और लिंग पर केंद्रित तमाम विषयों पर भारत की अहम भागीदारी रही है। भारत G7 शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ इस बार कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात भी संभव है। हालांकि इस समिट में भारत और कनाडा दोनों देशों के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, लेकिन दोनों की मुलाकात को लेकर अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है। भारत विरोधी तत्वों को जिस तरह से कनाडा में राजनीतिक स्थान मिलता है, उसको लेकर भारत हमेशा से कनाडा सरकार के सामने चिंता जाहिर करता रहा है। लेकिन हाल के दिनों में खालिस्तानी गतिविधियों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, वैसे में भारत और कनाडा के बीच फिलहाल कोई भी द्विपक्षीय वार्ता होती नहीं दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों की बढ़ती मान्यता की ओर ही इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार हिंसा पर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बलौदाबाजार की घटना को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और विधायक पदाधिकारी आज बलौदाबाजार घटना स्थल जाएंगे। इसी कड़ी में आज दीपक बैज, चरणदास महंत, पूर्व CM भूपेश बघेल बलौदाबाजार जाने वाले हैं। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सभी विधायक भी साथ में मौजूद रहेंगे और घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे। देखिए, जब ये पूरी घटना हुई थी, उस दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कुछ विधायक पर इल्जाम लगाया था, आरोप लगाया था, उसका जवाब अब कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो बलौदाबाजार हिंसा में ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है, जहां अभी अभी हमने आपको अपडेट दी थी कि विष्णुदेव साय सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी एक जांच समिति बनाई है, जिसके देखते हुए आज जांच करने के लिए, ग्राउंड का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण बलौदाबाजार जाने वाले हैं।
और देखिए भोपाल की शान बड़े तालाब को प्रदूषण मुक्त रखने और नागरिकों को पर्यटन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर नगर निगम अब नई कवायद में जुट गई है। इसके तहत राजधानी के बड़े तालाब को संवारा जाएगा और जम्मू कश्मीर की डल झील की तर्ज पर बड़े तालाब में शिकारे चलाए जाएंगे, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को महापौर मालती राय और विधायक भगवान दास सबनानी करेंगे। तो क्योंकि भोपाल की शान कही जाती है लेक, द सिटी ऑफ लेक्स, तो ऐसे में नगर निगम की तरफ से ये नई पहल की जा रही है, जहां पर बड़ा तालाब को संवारा जाएगा, साथ सज्जा पर काम किया जाएगा।